गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 में देखिए आप, यहाँ पर आपका अध्याय 10 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी क्या होती है बच्चों? सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है, तारों से युक्त एक वाद्य यंत्र होता है जिसे देखे, जैसे यहाँ पे एक चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बुजुर्ग, एक ओल्ड मैन के हाथ में क्या है, ये कुछ है ना, लकड़ी का बना हुआ वाद्य यंत्र है, देखो वो उसे बजा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज आपका अध्याय 10, और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपनी पुस्तक में देखिए आप भी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था, और वो व्यक्ति सारंगी क्या था, बहुत अच्छी बजाता था। जब रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और जब वो गांव में आए हुए थे तो उसी रात को उन्होंने क्या किया, सारंगी बजाना शुरू किया। और सारंगी की आवाज़ सुनकर जो गांव के लोग थे ना, सभी इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारंगी की मीठी आवाज़, जो सारंगी वाद्य यंत्र है, उसकी जो सुंदर मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला, जो सारंगी वाले हैं उनके जो बजाने की कला, उनका जो बजाने का तरीका है, ज्ञान है, तो वही उनकी बजाने की कला है, से गांव के लोग दंग रह गए। उनकी जो बजाने की कला थी, निपुणता थी उनकी बजाने में, निपुणता मतलब किसी भी कार्य को अच्छे से जानना, तो उन्हें मतलब सारंगी इतने अच्छे से बजानी आती है कि सभी उसे देखकर दंग रह गए। गांव के लोग देखकर दंग रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो कितनी अच्छी सारंगी बजा रहे हैं। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो बच्चों, किसी भी आवाज़ की जो हमें बहुत अच्छी लगती है हमारे कानों को, तो हम क्या बोलते हैं, आहा कितनी अच्छी आवाज़ है, कितनी मीठी आवाज़, इस तरह से ही कहते हैं ना। किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, आप किसी कोई गाना सुन रहे हो तो कितना मीठा गाना, ऐसे बोल देते हैं हम। किसी भी बांसुरी की आवाज़ है तो हम इसी तरह बोलते हैं कि कितनी मीठी बांसुरी। तो इसी तरह यहाँ पर सब लोग कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है, क्योंकि सबको सारंगी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। अब नेक्स्ट पेज में देखिए आप, फिर कहा आहा आनंद आ रहा है, और सभी को आनंद की अनुभूति होने लगी, सभी को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर देखो, वहाँ पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था, और वहीं पे भीड़ के ही पास में एक लड़का जिसका नाम क्या है, भोला, वह सभी लोगों की क्या कर रहा था, बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, और वो अपने आप में बातें करने लगा, अकेले में बैठकर अपने आप बातें, अपने आप से ही बोल रहा था कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी। वो अपने आप से बोलने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आहा के सारंगी की आवाज़ कितनी मीठी है। तो भोले को भी लगा होगा कि इनको सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। और वो सोचने लगा, इन्हें तो सारंगी की आवाज़, सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ। ये सब क्या बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि इनका मुंह मीठा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर जाकर सारंगी वाले के पास बैठता हूँ, और क्या पता उसके पास बैठने से मेरा मुंह भी मीठा हो जाए। इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया, और फिर वो वहाँ से उठता है और वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है।
और जब रात को जब सारंगी वाला सारंगी बजा रहे थे तो बहुत रात हो गई थी, तो रात को जब 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया, जब सारंगी वाले जो हैं उन्होंने अपना सारंगी बजाना जब बंद किया, तो लोगों ने जो गांव के लोग थे उन्होंने सारंगी वाले से कहा कि महाराज तुम सारंग आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। अब होता है कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी चीज़ की आवाज़ अच्छी लगती है, जैसे यहाँ पे सारंगी वाले बहुत अच्छी सारंगी बजा रहे थे, तो लोगों ने सोचा होगा कि हम क्यों ना सारंगी वाले की थोड़ा तारीफ़ कर दें, उनके लिए कुछ अच्छा कह दें, तो वो लोग सारंगी वाले से कहते हैं कि महाराज। अब यहाँ पर देखिए महाराज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है कि महाराज, एक सम्मान दिया जा रहा है कि उन्हें बोला जा रहा है कि महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, है। फिर गांव वाले बोलते हैं कि महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, मतलब आपकी सारंगी की आवाज़ बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया और हमें सारंगी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और फिर वो उन्हें कहते हैं, सारंगी वालों को कहते हैं कि 2-4 दिन यहीं ठहरिए, सारंगी वालों को कहते हैं कि आप 2-4 दिन कुछ दिन मतलब हमारे ही गांव में ठहरिए, यहीं आराम कीजिए, आप यहीं कुछ दिन रुक जाइए। तो उस तरह से बच्चों आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे मीठी सारंगी पाठ का, और कल हम इसी क्रम में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आप भी एक बार इस अध्याय को पढ़ लीजिए और अच्छे से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों आज ये अध्याय आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर कल हम इसे इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों आज आप यहाँ तक यह अध्याय पढ़ लीजिए। ओके।